गरीब सास बहू का जादुई बस में ब्यूटी पार्लर। एक बस के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। कुछ औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। अरे ये कोई बस नहीं, ये तो एक ब्यूटी पार्लर है, और वो भी कोई मामूली ब्यूटी पार्लर नहीं, जादुई बस ब्यूटी पार्लर है। उस ब्यूटी पार्लर में जो भी लड़की या औरत अंदर जाती तो वो बहुत खूबसूरत और सुंदर बनकर बाहर निकलती। ये चमत्कार देखकर उस बस ब्यूटी पार्लर के बाहर बहुत बड़ी लाइन लग जाती है और लोगों की भीड़ भी लग जाती है। आज अगर ये जादुई बस ब्यूटी पार्लर ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से। इस बस ब्यूटी पार्लर की वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली। देखो मैं पहले से कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ हाँ तुम सही कहती हो, तुम्हारा चेहरा और तुम बहुत बदल गई हो। अब तो कोई भी लड़का तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। शिवांगी बहुत खुश होकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर भीड़ में लगी औरतें जोर जोर से चीखने लगती हैं। पहले मैं अंदर जाऊंगी। नहीं नहीं पहले मैं अंदर जाऊंगी। तुम दोनों बेकार में लड़ाई कर रही हो, तुमसे पहले मेरा नंबर है, इसलिए मैं पहले अंदर जाऊंगी। देखते ही देखते बस के बाहर औरतों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सबको सुंदर होना था, जिसके चक्कर में उन सभी की घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी बस के अंदर से शेफाली बाहर आती है और सबसे कहती है, देखिए आप में से किसी को भी लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी को अंदर बारी बारी से बुलाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए और लाइन लगाकर अपनी बारी के आने का इंतजार कीजिए। शेफाली की बातें मानकर सभी लोग लाइन लगा लेते हैं, जिसके बाद रूपा अंदर जाती है। अंदर जाते ही उसे खूबसूरत वीआईपी पार्लर नजर आता है। एक बस के अंदर इतना खूबसूरत पार्लर मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। अरे आओ अंदर आ जाओ और इस कुर्सी पर आकर बैठ जाओ। दामिनी उसे कुर्सी पर बैठा देती है। रूपा अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि हम तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं। रूपा अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद शेफाली सारी लाइट्स ऑफ कर देती है, जिसके बाद बस के अंदर अचानक से सफेद रंग की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और वो रोशनी रूपा के आसपास नजर आती है। देखते ही देखते रूपा काली और बदसूरत से बहुत खूबसूरत दिखने लगती है, जिसके बाद शेफाली की सास दामिनी सारी लाइट्स ऑन कर देती है। अब तुम अपने आप को शीशे में देख सकती हो। जैसे ही रूपा अपने आप को शीशे में देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, तुमने तो मेरी काया ही पलट दी। कहां तो मैं काली कलूटी और बदसूरत थी, तुमने तो मुझे खूबसूरत बना दिया। यही तो इस जादुई बस का कमाल है, तुम्हारा यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। रूपा शेफाली को पैसे देकर बस से बाहर निकल आती है। उसे देखकर सारी औरतें हैरान हो जाती हैं। आखिर उस बस में ऐसा क्या जादू था जिसके चलते रूपा इतनी खूबसूरत हो गई थी, और दोनों सास बहू गांव की औरतों से क्या छुपा रही थी। चलिए इस बात का पता लगाने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। दामिनी और शेफाली दोनों सास बहू एक कच्चे मकान में रहा करती थी। शेफाली का पति वीरेंद्र एक बस का ड्राइवर था और बस चलाकर अपने घर का गुजारा किया करता था। एक दिन वीरेंद्र का बेटा राजू स्कूल से रोता हुआ घर आता है। अरे बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? आपने मेरे स्कूल की फीस नहीं भरी, इसलिए मेरे टीचर ने मुझे स्कूल से निकाल दिया, और अब मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगा। शेफाली बहुत परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर में राशन भी खत्म हो जाता है। अरे बहू बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। लेकिन राशन तो खत्म हो गया है माँ जी, अब मैं क्या बनाऊँ, कुछ है ही नहीं। तभी शेफाली के घर पर एक औरत होती है। शेफाली बिटिया मुझे एक शादी में जाना है, क्या तुम मुझे तैयार कर दोगी? गांव में कोई भी अच्छी पार्लर वाली नहीं है, और सुना है तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ दीदी अंदर आ जाओ। शेफाली गांव की औरतों का मेकअप करके उनसे कुछ पैसे कमा लिया करती थी। शेफाली को मेकअप का बहुत शौक था। अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो 1000 रुपए रख लो। केसरी शेफाली को पैसे देकर चली जाती है। उसके बाद शेफाली उन पैसों से घर का राशन ले आती है। शाम तक वीरेंद्र भी बस चलाकर वापस घर आ जाता है। वीरेंद्र क्या हुआ, आप तो ढंग से खाना भी नहीं खा रहे हो, बहुत उदास लग रहे हो। उदास ना हूँ तो क्या करूँ, बस का मालिक मुझे पैसे भी सही से नहीं देता है, घर में हर रोज राशन की कमी रहती है, ये परेशानियां कब खत्म होंगी।
अजी आपकी वह खटारा बस जो रखी है, क्यों ना आप उसे चलाना शुरू कर दो। उसे ठीक करवाने में बहुत पैसा लगेगा, उतना पैसा भी नहीं है मेरे पास। वैसे तुम पार्लर खोलना चाहती थी ना, मैं उस खटारा को इस लायक बना सकता हूँ कि तुम उसके अंदर पार्लर का काम कर सको। वीरेंद्र अपनी खटारा बस की साफ सफाई करके उसके अंदर पेंट कर देता है, जिसके बाद शेफाली उसमें पार्लर का सामान रख लेती है। लेकिन गांव की कोई भी औरत उस खटारा बस में आना पसंद ही नहीं करती, जिसके चलते उनका पार्लर चल ही नहीं पाता। एक दिन परी रोते हुए वहां से गुजर रही थी। ये क्या, मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया, अब मैं परी लोग कैसे जाऊं? अगर इस हालत में परी लोग गई तो मुझे वहां से सब लोग भगा देंगे। शेफाली परी को रोते हुए देख उससे कहती है, परी आपकी ये हालत कैसे हुई? आपके पूरे कपड़ों पर कीचड़ लगी हुई है। मैं उड़ते हुए जा रही थी, आज परीलोक में बहुत बड़ा समारोह है जिसके लिए मुझे कुछ फूल चाहिए थे, लेकिन उड़ते हुए अचानक से मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। अब मैं इस हालत में परीलोक जा भी नहीं सकती। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। परी शेफाली की बात मान लेती है, जिसके बाद शेफाली अपने मेकअप से परी का मेकअप करती है और उसके कपड़े भी साफ कर देती है। अरे वाह, मैं तो बहुत प्यारी और सुंदर लग रही हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बदले में मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी से पूरी बस को जादुई पार्लर बस बना देती है। आज के बाद इस पार्लर में जो कोई लड़की या औरत आएगी वह बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इससे तुम अच्छा पैसा कमा सकती हो, बस तुम्हें बस की सारी लाइट बंद करनी होगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही एक औरत शेफाली से अपना मेकअप करवाने के लिए आती है। आज मेरे घर पर शादी है, मुझे अच्छे से तैयार कर दो। शेफाली अरुंधति को कुर्सी पर बैठा देती है और बस पार्लर की लाइट बंद कर देती है। देखते ही देखते एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से अरुंधति बहुत खूबसूरत और सुंदर बन जाती है। अरे वाह, यकीन नहीं होता, क्या ये सच में मैं ही हूँ? मेरा तो रंग भी सांवला था, तुमने तो मुझे पूरा ही गोरा कर दिया। तुम्हारा ये जादुई बस पार्लर तो बहुत अच्छा है। अरुंधति शेफाली को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में वहाँ दामिनी आ जाती है। बहू, क्या ये सच में तेरा ब्यूटी पार्लर है? ये बस ब्यूटी पार्लर तो बहुत खूबसूरत है। माँ जी, ये मेरा और आपका ब्यूटी पार्लर है। अगर आपने मुझे ब्यूटी पार्लर का काम ना सिखाया होता तो ये पार्लर मुझे कभी नहीं मिलता। शेफाली अपनी सास को परी के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर दामिनी बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से दामिनी और शेफाली दोनों बस ब्यूटी पार्लर चलाना शुरू कर देती हैं। कुछ ही समय में वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती हैं और उन दोनों का बस ब्यूटी पार्लर पूरे गांव में फेमस हो जाता है, जिसके चलते वो और भी बस ब्यूटी पार्लर की ब्रांच खोलना शुरू कर देती है। बहू, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, जरा देख लोगों की भीड़ कितनी लग गई है। आज से मैं भी एक बस ब्यूटी पार्लर चलाऊंगी, तू इस बस ब्यूटी पार्लर को चला। दामिनी भी एक बस ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। दोनों सास बहू मिलकर खूब पैसा कमाती हैं, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गंगाधर एक जंगल में एक नदी के किनारे बैठा होता है, जहां वो अक्सर लकड़ी काट कर बैठ जाया करता था। वो वहां बैठा बैठा रोने लगता है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मेरी बेटी की शादी कब तक होगी? काश कि मैं ज्यादा कमा पाता और अपनी बेटी की शादी कर पाता। मेरी गरीबी के चलते मेरी बेटी से कोई भी अपने बेटे का रिश्ता ही नहीं कर रहा। ऐसा कहकर गंगाधर नदी किनारे बैठकर रोने लगता है, जिसके बाद वो कुछ देर वहाँ आराम करता है और लकड़ी उठाकर बाजार में जाकर बेचना शुरू कर देता है। आओ आओ, सूखी लकड़ियाँ खरीदो, ऐसी लकड़ियाँ पूरे गांव में नहीं मिलेंगी। अरे आओ आओ, 10 रुपए किलो लकड़ियाँ लेकर जाओ, 10 रुपए किलो। तभी गंगाधर के पास कुछ लोग आते हैं और उसे लकड़ियाँ खरीद कर ले जाते हैं, जिसके चलते उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को वो वापस अपने घर लौटने लगता है। तभी रास्ते में उसे पंडित मिलता है। अरे गंगाधर भैया, कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही जरा। अरे पंडित जी, क्या बात है, शाम ढले आप यहाँ आए हो? अरे दरअसल बात ये है, कल हमारी गायत्री बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अरे क्या बात करते हो पंडित जी, सच बताओ, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे झूठ बोले मेरे दुश्मन, देखो कल अच्छे से मेहमानों की खातिरदारी कर देना। ऐसा कहकर पंडित वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद गंगाधर अपने घर जाता है और ये खुशखबरी अपनी पत्नी आनंदा को बताता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारी बिटिया के भी हाथ पीले हो जाएंगे। आनंदा बहुत खुश होती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, आनंदा और गंगाधर दोनों ही लड़के वाले के आने का इंतजार करने लगते हैं। देखते देखते सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उनके घर कोई नहीं आता। जिसके बाद पंडित आता है और कहता है, देखिए गंगाधर भाई साहब, मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इतने गरीब घर में अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग तो उन्हें दहेज भी नहीं दे पाओगे। पंडित की बात सुनते ही गंगाधर को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और चलते चलते जंगल में नदी किनारे पहुंच जाता है। हे भगवान, फिर से मेरी फूटी किस्मत, ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर कब तक मैं अपनी गरीबी के चलते अपनी बेटी को कुंवारी ही अपने पास रखूंगा? गंगाधर ऐसा सोचकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे मेरी गरीबी कभी नहीं खत्म होगी, और मेरी गरीबी के चलते मेरी बिटिया की शादी भी नहीं होगी। इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, कम से कम ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। गंगाधर ऐसा सोचकर नदी की तरफ देखने लगता है, तभी उसे नदी से एक आवाज आती है, आओ आ जाओ और मुझ में समा जाओ, तुम्हारी सभी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, और अंदर आओ। गंगाधर उस आवाज के पीछे आकर्षित हो जाता है और नदी के अंदर जाने लगता है, जिसके बाद वो नदी के अंदर एक दुनिया में पहुंच जाता है, जहां रहने की सभी सुख सुविधाएं होती हैं और वहां खूब सारा सोना चांदी और पैसे भी होते हैं। अरे इतना सारा सोना चांदी और पैसे, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तभी नदी के अंदर एक देवता प्रकट होते हैं, जो गंगाधर से कहते हैं, गंगाधर तुम बहुत नेक दिल के इंसान हो, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आज से तुम इस जादुई नदी के अंदर रह सकते हो और यहाँ तुम अपनी बेटी की शादी भी करवा सकते हो। ऐसा कहकर देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद गंगाधर उस नदी से बाहर निकलता है और सीधा अपने घर पर जाता है। चलो यहाँ से चलो, आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं रहेंगे, हमारी सभी परेशानियों का हल मिल गया है। गंगाधर अपने पूरे परिवार को नदी के पास ले आता है, जिसके बाद वो उन्हें नदी के अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन गंगाधर के कहने के बाद भी कोई नदी के अंदर प्रवेश नहीं करता। पिताजी मुझे लगता है कि आप मेरी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, तभी तो आप अपने साथ साथ हमारी भी खुदकुशी कराना चाहते हो। अरे मेरी प्यारी बिटिया, मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर तुझे अपने बाप पर थोड़ा भी भरोसा है तो अपने बाप का हाथ थाम और साथ चल नदी में। गंगाधर अपनी बिटिया और अपनी पत्नी का हाथ थाम कर उन्हें नदी के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो नदी के अंदर इतना सारा सोना पैसा हीरे और रहने की सारी व्यवस्था देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे आज से हम यहीं रहेंगे और बिटिया तेरी शादी भी मैं यहीं करवाऊंगा, तू देखना ऐसी शादी कभी किसी ने नहीं करवाई होगी अपनी बेटी की। उस दिन के बाद से गंगाधर अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ नदी के अंदर ही रहने लगता है। एक दिन वो नदी से निकलकर पंडित के पास जाता है। अरे पंडित जी, अब आप मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो और जितनी मांग हो मैं उतनी पूरी मांग करने के लिए तैयार हूँ। अरे कहीं कोई सोना चांदी या कोई खजाना तो तुम्हारे हाथ नहीं लग गया? ऐसा ही समझो पंडित जी, अब हमारी किस्मत खुल गई है, मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ और लड़के वालों की मांग भी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। गंगाधर की बात सुनकर पंडित उसकी बात विक्रम के माता पिता से करवा देता है, जिसके बाद गंगाधर विक्रम और उसके माता पिता से कहता है, देखिए आप जितना भी चाहते हैं मैं आपकी पूरी मांग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी बिटिया की शादी नदी के अंदर होगी। गंगाधर की बातें सुनकर विक्रम और उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। अरे नदी में शादी, लेकिन नदी में शादी कैसे होगी? उसकी आप चिंता मत कीजिए, बस आप बारात की तैयारियां कीजिए। ऐसा कहकर गंगाधर वहां से चला जाता है और नदी के अंदर अपने घर लौट आता है, जिसके बाद वो नदी के अंदर से सोने के सिक्के लेकर अपनी बेटी के लिए लहंगा लेने जाता है। अरे भाई साहब, मुझे अपनी दुकान का सबसे महंगा लहंगा दे दो।
गंगाधर सबसे महंगा लहंगा खरीद कर नदी में चला जाता है और अपनी बेटी को लहंगा देकर कहता है, ये लो बेटिया, इसे पहनकर तुम बहुत खूबसूरत और राजकुमारी की तरह लगोगी। जाओ अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ। एक तरफ गंगाधर अपने परिवार के साथ नदी के अंदर शादी की पूरी तैयारियां कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ विक्रम अपने माता पिता और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बारात नदी किनारे ले आता है। हे भगवान, नदी में हम लोग कैसे जाएंगे? विक्रम की बारात नदी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ गंगाधर आता है और कहता है, ये कोई मामूली नदी नहीं है बल्कि एक जादुई नदी है। आप सभी का हमारे घर में स्वागत है। ऐसा कहकर गंगाधर विक्रम की पूरी बारात को धीरे धीरे नदी में उतार देता है, जिसके बाद सभी लोग नदी के अंदर की दुनिया देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि नदी के अंदर भी एक जादुई दुनिया है, और ये नदी जादुई है। यहाँ मैं बिल्कुल नॉर्मल रह सकता हूँ। गंगाधर विक्रम और अपनी बेटी गायत्री की शादी करवाना शुरू कर देता है। नदी के अंदर चारों तरफ संगीत का माहौल बना होता है। कुछ देर में उस जादुई नदी के अंदर गायत्री और विक्रम की शादी हो जाती है। शादी के बाद विक्रम अपने ससुर गंगाधर से कहता है, पिताजी, मैं शादी के बाद वापस धरती पर नहीं जाना चाहता। मैं इस नदी की दुनिया में ही रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत नजर आता है। पिताजी, यहाँ से तो मैं भी नहीं जाना चाहती। क्या हम यहीं रह सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से यही हमारा घर और यही हमारी दुनिया है। गंगाधर की बेटी और उसका जमाई शादी के बाद नदी के अंदर ही रहने लगते हैं। अब उनकी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। सोनगढ़ गांव अपने आप में बेहद सुखद समृद्ध था। पूरा गांव गढ़ अपने पक्के इमारतों में चैन सुकून से रह रहा था। धीना भी उसी गांव का एक गरीब निवासी था। वो एक टूटी फूटी मड़ई में रहता था। धीना पेशे से धोबी था। वो नित दिन मैले कुचैले कपड़ों की गठरी उठाकर उन्हें नदी पर धोने जाया करता था। हे राम, सूरज सर पर चढ़ाया, मुझे जल्दी से नदी पर पहुंचना होगा। हड़बड़ाहट के साथ धीना अपने कपड़ों की गठरी कंधे पर लादे नदी पर चला आता है, जहां खड़ा मंगेश उसे रोकते हुए कहता है, ए धोबी, तू इस नदी में ये मैले कुचैले कपड़े नहीं धो सकता। अब अगर क्यों मंगेश, इन कपड़ों के जरिए ही तो मेरी रोजी रोटी चलती है भाई। अपना ये दुखड़ा कहीं और जाकर दिखा। अरे तेरे मैले कुचैले कपड़ों की धुलाई के कारण नदी दूषित हो रही है, इसलिए अब ना तो तू इस नदी पर कपड़े धोएगा और ना तुझे एक बूंद पानी भरने को मिलेगा। अरे अब ढीठ की तरह ताक क्या रहा है, भाग यहाँ से। पूरा गांव गढ़ मंगेश का साथ देते हुए बुलंद आवाज में गरीब धोबी का बहिष्कार करने लगते हैं। धोबी गठरी उठाए घर लौटकर कहता है, एक ये नदी और कपड़ों से ही तो मुझ दुखियारे धोबी का दाना पानी चलता था, मगर इस गाँव गढ़ से वो भी देखा न गया। शायद अब इस संसार में गरीब का साथी कोई नहीं है। धोबी अंत तक लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करता है, बावजूद उसके सारे अथक प्रयास असफल सिद्ध होते हैं। दो दिन के भीतर ही धोबी की आर्थिक हालत बद से बदतर हो जाती है। भूख से छनछनाता धोबी बिछौने पर पड़ा सारी रात सोच रहा था। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। देखे आसमानी मालिक, जिस संसार को तूने स्नेह के धागे में पिरोया था, वहां के निवासी कैसे निर्दयी हो गए हैं। जहाँ एक ओर वो छप्पन भोग खा रहे हैं, वहीं ये धोबी कई दिनों से भूख से छछन रहा है। अब मैं इस दुखदाई दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। रोते बिलखते हुए धोबी आंखें मूंद लेता है और रात की बेला बीतने के साथ सुबह की किरण फूट पड़ती है। सभी के किवाड़ बंद देखकर धोबी नदी किनारे आकर कहता है, आज मैं इस नदी में डूब कर अपनी जान दे दूंगा। ऐसा कहकर धोबी आंखें मूंद नदी में डुबकी लगा देता है और गहराई में जाकर जैसे ही वो आंखें खोलता है तो खुद को सोने के शहर में पाता है। तभी सुनहरे द्वार पर खड़ी सर से लेकर पांव तक सोने का पहरावा पहने द्वारपालिका कहती है, जादुई सुनहरे शहर में तुम्हारा स्वागत है। ये कैसा अनूठा शहर है, जहाँ पेड़ पौधे फल फूल सोने के हैं, और तो और घर बार भी सोने का है, गाड़ियां भी सोने की। ये सुनहरा शहर मेरी सोच समझ से एकदम परे है, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं,
तुम सचमुच में जादुई सुनहरे शहर में हो। जिस नदी में तुमने डुबकी लगाई थी, ये सोना शहर उसके भीतर बसा है, और मैं हूँ यहाँ की द्वारपालिका। ये जादुई सुनहरा शहर गरीबों का सारथी है। आगे बढ़ो धीना। ये सुनकर धीना आगे बढ़ आता है। जहाँ सैकड़ों सोने के वाहन कतार में खड़े होते हैं, तो कहीं सोने के लहलहाते पेड़ों की डाल से सोने के फूल सुनहरी धूप पर गिर रहे होते हैं, तो कहीं सोने के झरने से बूंदे बरस रही होती है, कहीं लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। ये सुनहरा शहर कितना सुंदर है, यहाँ के निवासियों के बीच कितना मेलजोल है। धीना अपने आप से बात करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक सोने की गाय दिखाई देती है, जिसके मुंह से सोने के सिक्के बरस रहे थे, जो उसे रोकते हुए कहती है, ठहरो धीना। अरे सोने की गैया तो बोल रही है भाई। धीना, इस जादुई सुनहरे शहर में सब कुछ जादू है। वैसे मेरा नाम गौरी है, तुमसे भेंट करके अच्छा लगा। ये सारे सुनहरे सिक्के तुम्हारे हक के हैं। इसे अपने हित के लिए इस्तेमाल करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुनहरी गाय। इसके बाद धीना सारा सुनहरा शहर घूमता है। पेड़ पौधों से लेकर सभी जन उसे सोना देकर सांझ की बेला होते ही विदाई दे देते हैं, और अंत में द्वारपालिका कहती है, जाओ धीना और इस सोने से एक सुनहरे जीवन की शुरुआत करो। धीना सोने से भरी पोटलियां लेकर जैसे ही सुनहरे शहर के फाटक से बाहर कदम रखता है, वो खुद को नदी के किनारे पर पाता है। अगर मैं इस सोने के सिक्के से भरी पोटली गांव लेकर गया, तो सभी मुझ पर दोष लगाने से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए मैं सीधे सुनार के पास जाऊंगा। धीना सीधे सुनार के पास जाकर पोटली से भरे सोने के सिक्कों का सौदा कर देता है। बदले में उसे खूब सारा पैसा मिलता है, जिन्हें लेकर वो देर रात घर आता है, और पैसे का सदुपयोग करके धीना एक सुंदर से घर की नींव रखता है। इस बात को केंद्र बनाकर पूरा गांव गढ़ तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। जो दो कौड़ी का धोबी कल तक दाने दाने के लिए मोहताज था, आखिरकार ऐसा भी कौन सा जिन का जादू हाथ लग गया इसके, जो मढ़ई से सीधे महल सा घर बनाकर बैठ गया। अरे मंगेश, मानो ना मानो, मुझे तो ये दौलत दो नंबर की कमाई का जरिया लग रहा है। सरपंच जी, आखिरकार कब तक आप हाथ पर हाथ धरे रहेंगे? इससे पहले कि हमारे गांव पर मुसीबत का पहाड़ टूटे, आप इस धोबी से पूछताछ कीजिए। ठीक है, चलो। गांवगढ़ सिखावे में आकर पूरा गांवगढ़ धीना के द्वार पर आकर खड़ा होता है। धीना, अरे ओ धीना, अरे धोबी, अरे कहाँ छुपा बैठा है रे, बाहर निकाल। क्या बात है मंगेश, पूरा गांव गन मेरे घर के बाहर, क्या बात है? देख लो सरपंच जी, रहीस होने के बाद इस धोबी की जात ही बदल गई। कल तक जो पेवन लगे चिथड़ों में जीवन गुजारता था, आज महंगे मलमल का कुर्ता पजामा पहने कैसे ठाट बाट से खड़ा है। धीना सच सच बता, ये शानो शौकत, ये घर बार काले धन की कमाई से बना है ना, बता। अब बिल्कुल नहीं सरपंच जी, ये सब मैंने परिश्रम से पाया है। सरपंच जी इसकी बातों में ना आना, ये सरासर सफेद झूठ बोल रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते सरपंच जी, अरे एक दो हड्डियां टूटेगी तो अपने आप सच बक देगा। ऐसा बोलते हुए मंगेश धीना को मारने लगता है, बावजूद इसके धीना का जवाब नहीं बदलता। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। आधी रात तेज तूफान उठने के साथ धीना के घर की धरती को छोड़कर सभी के घर डावाडोल हो उठते हैं। अपनी जान बचाते हुए सभी किवाड़ खोलकर बाहर आते हैं, जिसके साथ सभी के घर ढह जाते हैं, और एक ही रात में पूरा गांव का बेघर हो जाता है। तभी मंगेश माथा पकड़कर कहता है, हे राम जी, ये कैसी आफत आन पड़ी है, सभी का घर ढह गया। तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने एक बेगुनाह पर कोड़े बरसाए, ये उसी का अंजाम है जो हमारे घर बालू के किनकों की तरह ढह गए। कुछ ही देर में सवेरे का आगाज होता है, और सभी जन धीना के पास आकर कहते हैं, धीना हमें माफ कर दो, हमने तुम पर जो जुर्म ढाया, इसलिए देखो हमारे घर ढह गए, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। आप सभी का बदलाव देखकर मैं एक सच आप सभी के बीच साझा करना चाहता हूँ।
हमारे गांव में जो नदी बह रही है उसके नीचे जादुई सुनहरा शहर बसा हुआ है, उसी के बदौलत मेरा जीवन बदला है, चलिए मेरे साथ। पूरा गांव धीना के साथ नदी के तट पर आता है। आप सभी यहीं किनारे पर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। ऐसा बोलकर धीना पानी में डुबकी लगाकर जादुई सुनहरे शहर पहुंच जाता है और कहता है, हे द्वारपालिका, मेरा गांव सत्यानाश हो गया है, मेरे उजाड़ गांव को बसाने के लिए मुझे मदद की जरूरत है। जरूर धीना, हम तुम्हारे गांव को बसाने में बढ़ चढ़ कर सोने का सहयोग देंगे। इसके साथ पूरा सुनहरा शहर धीना को सोने से भरा हुआ बड़ा सा बक्सा देकर विदाई कर देता है। जाओ धीना और अपना गांव पुनः बसाओ। कुछ देर बाद, ये धीना अब तक आया क्यों नहीं? मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। एकाएक धीना बड़े बक्से के साथ तैरता हुआ नदी से बाहर आता है। आखिरकार आज धीना के बदौलत गांव फिर से बस चुका है। साथ ही धीना के धनी सोच ने गांव गढ़ की धारा को बदलाव दिया है। अब हर एक जन पहले की भांति स्वार्थी नहीं रहा, बल्कि सुख दुख की परिस्थिति में एक दूजे का सारथी बनकर संग खड़ा रहने लगा है, जो उस नदी के भीतर बसी जादुई सुनहरे शहर की देन है। शिफाली न्यूज चैनल के आगे बैठी हुई थी, तभी उसकी माँ मीनल टीवी बंद कर देती है। माँ, टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू इन आलतू फालतू खबरों में जमी रहे। आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, रेडी रहना। शिफाली फिरोजी रंग का फ्रॉक सूट पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही देर बाद प्रेमा देवी अपने परिवार के साथ उनके घर चलकर आती है। आइए बहन जी, आपका ही इंतजार कर रहे थे। शिफाली सभी को नाश्ता परोसती है, जिसके बाद प्रेमा कहती है, बहन जी, ये है मेरा बड़ा बेटा प्रज्वल, ये उसकी पत्नी ज्योतिका और ये अर्चित, बस यही चार जन है परिवार में। अब शिफाली भी शामिल हो जाएगी। जी सो तो है, मगर बच्चे एक दूसरे से अकेले में बात कर लेते तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भाभी आप भी चलिए। इतने के बाद ज्योतिका अर्चित के साथ शिफाली से अकेले में बात करने आ जाती है। तभी शिफाली कुड़कुड़ाती हुई मन ही मन में कहती है, ये सही है, मेरी होने वाली जिठानी जी हम दो जन के बीच कबाब में हड्डी बन के चली आई। शिफाली, तुमने कुछ कहा क्या? जी नहीं तो। माफ करना, मगर मेरे डियर देवर जी बहुत ही शर्मीले मिजाज के हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी उनकी भाभी यहाँ है। वैसे अर्चित की शक्ल से लग नहीं रहा कि इन्हें आपकी कंपनी की जरूरत है। कुछ ही देर के बाद देवर भाभी और शिफाली नीचे आ जाते हैं और कुछ ही दिनों में शिफाली और अर्चित शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और शादी के रात कमरे में बैठी शिफाली दरवाजे की तरफ देखती हुई कहती है, इतनी देर हो गई, ये अर्चित कहाँ रह गए? शायद दोस्तों के फौज के बीच फंस गए होंगे। शिफाली अपने मन को ऐसा समझा ही रही होती है कि तभी उसे हंसी की गूंज के साथ कमरे के अंदर बढ़ते हुए कदमों की परछाई दिखती है। अर्चित? ओह सॉरी शिफाली, वो मैं भाभी से। मैं बताती हूँ शिफाली, वो मैं देवर जी को तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए टिप्स दे रही थी, फिर हम दोनों देवर भाभी गप्पे लड़ाने लगे और समय का पता ही नहीं चला। ये सुनकर देवरानी के दिलो दिमाग में खलबली मच जाती है और वो अपनी जेठानी पर झुंझला उठती है। क्या बात है जेठानी जी, यहाँ मैं पलके बिछाकर अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, मगर देवर भाभी तो एक दूसरे में मगन है। देवरानी की बातों को टालकर जेठानी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह, शिफाली शिफाली दरवाजा खोलो, ये जेठानी जी को चैन नहीं, चली आई सुबह सुबह सौतन बनने। शुक्र है, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ, माँ जी बुला रही है। थोड़ी ही देर बाद देवरानी किचन में आकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी प्रज्वल कहता है, क्या हुआ अर्चित, तू इतने स्लो स्पीड में खाना क्यों खा रहा है? वो भाई, मैं जिस हिसाब से नमक मिर्च खाता हूँ वो सभी भाभी जानती है। शिफाली बहू, अर्चित को तेरी जेठानी के हाथों से बना जायकेदार खाना ही भाता है, तू बहू से खाना बनाना सीख लेना। अपने पति के मुंह से जेठानी की वाहवाही सुनकर देवरानी जल भून जाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक शाम जेठानी देवरानी शाम को हॉल में बैठी बातें कर रही थी, तभी अचानक अर्चित खुशी से अंदर आकर ज्योतिका को गोद में उठाकर नाचते हुए बोलता है, भाभी भाभी भाभी। अरे देवर जी, भाभी का रट ही लगाए रहोगे या बताओगे भी, हुआ क्या है?
अपने जेठानी को पति के बाहों में देखकर देवरानी गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे में चली आती है, जिसके कुछ देर बाद जेठानी कमरे में आती है। अरे देवरानी जी, तुम यूं अचानक से कमरे से बाहर क्यों आ गई? क्योंकि मुझसे देवर भाभी का इश्क लड़ाना देखा नहीं गया। शेफाली ये कैसा लांछन लगा रही हो मुझ पर, होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ, मगर आप होश खो बैठी है। अरे देवर भाभी के रिश्ते दायरे के अच्छे लगते हैं, पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला रखी है अर्चित को। अगर मुझे जरा भी भनक होती कि मेरी जेठानी मेरी सौतन बनकर मेरी शादीशुदा जीवन में जहर घोलेगी, तो मैं आपकी देवरानी नहीं बनती। अपनी देवरानी के तीखे ताने जेठानी के जिगर को छल्ली कर रहे थे, मगर उसे क्या खबर थी कि उसका खामोश खड़ा रहना ही उसका दोष बन जाएगा। देखा, अगर आपका कोई चक्कर नहीं होता तो आपकी जुबान पर चुप्पी का ताला ना होता। जाइए यहाँ से। ऐसे ही समय बीतता जाता है। शेफाली किसी न किसी बहाने से अपनी जेठानी पर जहर उगलती रहती है। फिर एक सुबह, शेफाली, शेफाली कहाँ हो? देवर जी, वो देवरानी जी छत पर कपड़े सुखाने गई है, कुछ काम था क्या? हाँ भाभी, मैं दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ, अचानक शर्ट का बटन टूट गया, प्लीज इसे टाक कर दीजिए ना। ठीक है, आप शर्ट उतार कर मुझे दे दीजिए। ओहो भाभी, फिर तो डबल टाइम लग जाएगा, आप ऐसे ही बटन लगा दीजिए। ज्योतिका अर्चित के शर्ट का बटन टाक ही रही थी कि अचानक से गुस्से में दांत पीसती हुई शेफाली पीछे से उस पर झपट पड़ती। दूर हट मेरे पति से, जब देखो देवर के आगे पीछे मक्खी की तरह भिनभिनाती रहती है। शेफाली पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ पागल हो गई हूँ मैं, शादी के पहले दिन से सौतन बनी बैठी है मेरी ये जेठानी, जीना हराम करके रख दिया है मेरा। शोरगुल की वजह से सास और जेठ भागते हुए कमरे में आते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? और ज्योतिका, तुम जमीन पर क्यों हो? जेठानी जी की बेहूदगी के लिए उन्हें जमीन के दो गज नीचे गड़ जाना चाहिए। अरे छोटी बहू, अपनी जेठानी के लिए ऐसा क्यों कह रही है? माँ जी, जब जेठानी सौतन बन जाए तो देवरानी के दांत खट्टे होना लाजमी है। शेफाली, शक की कोई सीमा होती है? अरे देवर भाभी का नाता माँ बेटे के बराबर होता है। जानती हूँ जेठ जी, मगर मेरी जेठानी की जवानी ज्यादा ही जोरों पर उफन रही है, इसलिए तो अपने लटको झटको से देवर को फांस लिया है। ये सुनकर अर्चित गुस्से में उबलते हुए शेफाली को जोर से चांटा मार देता है। बस करो शेफाली, एक औरत होकर दूसरी औरत पर उंगली उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जाने दीजिए देवर जी, रिश्तों को समझने में चूक किसी से भी हो सकती है, आप सभी शेफाली को मेरे लिए माफ कर दीजिए। माफी माय फुट। शेफाली के शक भरे रूखे बर्ताव से परिवार के सभी लोग अब उससे कटे कटे रहने लगते हैं, जिससे देवरानी का गुस्सा जेठानी पर धधक उठता है। और एक रात जब शेफाली की आंखें खुलती है तो वो अर्चित को बिस्तर पर ना पाकर कहती है, अर्चित जी कमरे में नहीं, जरूर ये मेरी सौतन के साथ रंगरलिया मना रहे होंगे, आज मैं इन लैला मजनू को रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगी। जैसे ही शेफाली कमरे के बाहर आती है तो अर्चित ज्योतिका का हाथ सहला रहा होता है। अच्छा लग रहा है? हाँ अर्चित। ऐसा मंजर देखकर देवरानी गुस्से से दांत पीसती हुई बेरहमी से जेठानी के बाल पकड़कर कहती है, बेशर्म, अपने पति को छोड़कर यहाँ मेरे पति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, सौतन कहीं की? तभी मैं सोचूं कि आजकल अर्चित मुझसे कटे कटे क्यों रहते हैं। शेफाली तुम गलत समझ रही हो। माँ जी, प्रज्वल बचाओ मुझे। मैं गलत समझ रही हूँ? जिसका पति बिस्तर पर बीवी को अकेला छोड़कर किसी पराई औरत के साथ हो वो सौतन होती है। शेफाली गुस्से में जेठानी के बाल पकड़कर उसका सर दीवार में पटकने लगती है। तभी सभी लोग भागते हुए शेफाली को दूर झटकते हैं। अरे बावरी हो गई है क्या बहू, बीमार जेठानी को मार रही है। बेहोश पड़ी थी ज्योतिका यहाँ, मैंने अर्चित को कहा था उसे संभालने को, मैं नींबू पानी बना रही थी उसके लिए। ये सुनकर शक की देवरानी शर्म से पानी पानी हो जाती है। ये मेरे हाथों क्या हो गया जेठानी जी? नहीं, मैं तुम्हारी जेठानी नहीं शेफाली, तुमने हर दिन मुझे और देवर जी को शक के दायरे में रखा, आज तुम मेरी जान लेने पर उतारू हो गई, अब मैं तुम्हारे साथ इस छत के नीचे नहीं रहूंगी। रुक जाओ भाभी, आप कहीं नहीं जाओगी, इस घर से कोई जाएगा तो ये जाएगी। याद रखना शेफाली, रिश्ते की गांठ कच्चे धागे से बंधी होती है, मगर तुम्हारे शक की बुरी लत ने इसे तोड़ दिया है, चली जाओ यहां से। पति के फैसले के आगे शेफाली का बस नहीं चलता और उसे जाना पड़ता है। मन में गणेश शक के एक बीज ने शेफाली को उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसके साथ कोई भी नहीं था। कड़वा कथन है, मगर जिस रिश्ते में शक का दायरा जगह बना लेती है वो अलगाव के साथ मर मिट जाता है।